गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन और रिविजन टाइम जो इसमें क्वेश्चन 3 है उसमें यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है दो 3x + 4 = 7 और m/2 = 8, इसको हमने सिस्टमेटिक मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। ये मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ लेकिन ये रिविजन का क्वेश्चन है तो फिर से दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो करते हैं इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट ये देखो, तो ये इस तरह से होगा 3x + 4 = 7। सबसे पहले मैंने इसमें बताया था सिस्टमेटिक मेथड में करते क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं अगर वो प्लस में होगा तो उतना ही माइनस करना दोनों तरफ। देखो जैसे यहां पर प्लस 4 है तो इस 4 को हटाने के लिए माइनस 4 करना पड़ेगा इसके साथ, तो अगर लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले करते हैं भाई, यहां पर देखो ये 3x और ये प्लस 4 तो ये माइनस 4 के 4 को हटाना है तो यहाँ राइट साइड में वही करना पड़ेगा, दोनों साइड एक जैसा करते हैं लेफ्ट राइट में, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास रह गया कितना 3x = कितना रह जाएगा 3। अब आपको जो है x निकालना है तो x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में, देखो 3x के साथ मल्टीप्लाई में और आपको x निकालना है, x के साथ कुछ भी नहीं चाहिए तो मतलब इस 3 को हटाना है। तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। देखो 3 से यहां भी डिवाइड किया और 3 से यहां भी डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो यहां पर बच जाएगा x और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया x = 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया इसका। ठीक, दूसरा हम इसमें ऐसे ही करते हैं, देखो ये यहां पर ये है m/2 और = कितना है 8। यहां पर सिंपली देखो कुछ भी प्लस नहीं है लेफ्ट साइड में, सिर्फ एक ही टर्म है m/2 और = 8। तो क्या करेंगे, देखो ये 2 जो है m के अपॉन में डिवाइड में और हम यहां लेफ्ट में सिर्फ m चाहते हैं, m के साथ कुछ नहीं चाहते और, तो ये 2 हटाना होगा, ये डिवाइड में है तो डिवाइडेबल को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 2 से, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो m/2, तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी मुझे वही चीज करनी पड़ेगी, 2 से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई किया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो m = क्या जाएगा 16। तो इस तरह से देखो हमने सिस्टमेटिक मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया।